दिल रोएला हो रोएला प्यार में तुहरे, दिल रोएला हो रोएला प्यार में तुहरे, का कमी बागोरी प्यार में हमरे, दिल रोएला। जी मैं संतोष चौबे बाबा, इसमें सम्राट की पिक्चर में जमा को लोन मिला है, इसका प्रोड्यूसर कमलेश चौरसिया जी, नीलेश सिंह जी, और राइटर रमेश राज मौर्या जी, डायरेक्टर रतन राहा जी, म्यूजिक डायरेक्टर दामोदर राव जी, इनको सबके साथ थे। हम करेंगे, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, और हमारे भजपुरिया भैया लोग को सबको पसंद आएगा। चैलेंजिंग रोल के लिए मुझे हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है कि आप चैलेंजिंग रोल्स करती हैं, बट इस बार साम्राज्य में एक नॉर्मल लड़की का किरदार प्ले कर रही हूँ, क्योंकि रतन राहा जी के साथ मेरी ये फर्स्ट टाइम मैं फिल्म कर रही हूँ, और आज मुहूर्त किया है उन्होंने, और साल का पहला मुहूर्त है। 2017 में मैंने कोई भी फिल्म का मुहूर्त या शूट नहीं किया है अभी तक, वेट कर रही थी कोई अच्छी स्टोरी या कोई अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा तो करूँगी, तो साम्राज्य उसमें से एक है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है, और रतन राहा जी ने इससे पहले भी रानी जी को लेकर एक फिल्म डायरेक्ट की थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ अभी। रतन राहा जी ने इतना अच्छा फिल्म की स्टोरी मुझे दी है, वो स्टोरी है जो हमेशा भोजपुरी ऑडियंस अप्रिशिएट करती है, देखना पसंद करती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर सकते, हमारी इंडस्ट्री में एक्सपेरिमेंट नहीं चलता है, तो नॉर्मल सब्जेक्ट है, लव स्टोरी है, तीन भाइयों की कहानी है। इसमें मुझे बहुत सिंपल रोल दिया, लेकिन सिंपल रोल मेरे लिए करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इतने सारे चैलेंजिंग रोल करने के बाद कोई सिंपल रोल देता है ना, बोलते प्रियंका जरा स्माइल कीजिए, तो ऐसे स्माइल भी नहीं होता मुझसे। तो साम्राज्य से जुड़े सभी लोगों को, सभी टेक्नीशियन, एक्टर, हमारे रतन सर, सब लोगों को वेरी सारी शुभकामनाएं, गुड विशेस, खूब अच्छी फिल्म बने, खूब सक्सेस करे और काफ़ी सारे ब्लॉकबस्टर रिकॉर्ड्स तोड़े। मोहब्बत के सौगात अभी ट्रेलर रिलीज भाई यूट्यूब पे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस बा, मे बी होली के बाद मार्च में रिलीज होता। और ब्रिजभूषण जी डायरेक्टर बाड़े, पल्लवी जी प्रोड्यूसर ही, बड़ा अच्छा फिल्म बने बापू, टोटली लव स्टोरी बा, अलग शेड बा, भोजपुरी में अलग देखे के मिली। फिलहाल तो मैं आप लोगों के सामने एज ए गेस्ट आया हूँ, मेरी शुभकामनाएँ हैं, और रतन सर से, रतन दास से मेरी बहुत पुराने रिलेशन है, नहीं जी, जी, जी। तो बस इनका कॉल आया तो आना ही था। मेरे साथ बहुत जल्दी एक फिल्म करने वाले हैं आदित्य जी, साथ में हम लोग, और इस फिल्म में हम देख रहे हैं, अभी पूरा फाइनली कास्टिंग हुई नहीं है, बहुत सारी बाकी है, तो मैं किसी गेस्ट अपीयरेंस रोल में नजर आ जाऊं? ऐसी बात नहीं है, आदित्य जी करेंगे तो बहुत बेहतरीन इसमें कोई रोल करेंगे। मेरी मतलब विजय पथ के टाइम से बहुत तारीफ करते रहते हैं, और शायद कुदरत का करिश्मा, अब तक हमें मौका नहीं मिला है साथ काम करने का, पर उम्मीद है बहुत जल्द हम लोग काम करेंगे साथ में और एक इतिहास रचेंगे उस फिल्म से। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो भी आए हैं सभी भाइयों का धन्यवाद देना चाहूँगा, और हमारे प्रोड्यूसर साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा, और जितने भी मुख्य हमारे कलाकार जो कि मार्केट से काम कर रहे हैं, प्रियंका जी हो गई और रानी जी हो गई, दीपक जी हो गए, सभी को मेरे तरफ से, मेरा नाम रतन राहा डायरेक्टर, मैं रानी जी को लेके, इससे पहले रानी चटर्जी को लेके एक फिल्म किया था, इंस्पेक्टर चांदनी, और दूसरी एक फिल्म किया था वीडियो साहेब, ये साम्राज्य कर रहा हूँ, बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, और इस पिक्चर में गाने सारे अच्छे ढंग से, नए ढंग से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और कहानी बहुत बेहतरीन है, तीन भाइयों की कहानी है इसमें, और एक भाई चले जाते हैं बिहार से, जाते हैं सऊदी अरब, एंड एक भाई, बीच वाला भाई जो है वो मुंबई आ जाते हैं कमाने के लिए, और छोटा वाला भाई गांव में ही रहते हैं, वो पढ़ाई करता है। सऊदिया दिखाने वाले हैं क्या? फिल्म के दो हीरोइन हैं रानी चटर्जी एंड प्रियंका। रतन जी के लिए मैं इतना कहूँगा कि वो बहुत ही मेहनती, और मैं इनको कम से कम 15 साल से जानता हूँ, और असिस्टेंट जब ये थे तब भी उन्होंने बहुत ही मेहनत लगन से काम करते थे, और मैं बहुत खुश होता हूँ जब इन्होंने डायरेक्ट पहली फिल्म की और मुझे याद किया और मैं इनके साथ काम किया, और बहुत ही सच्चे अच्छे इंसान हैं, अच्छा टेक्नीशियन है, और ऐसे डायरेक्टर का आना बहुत ज़रूरी है। सभी डायरेक्टर मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, क्या बोलूँ, लेकिन इतना कहूँगा अच्छे डायरेक्टर आते हैं तो अच्छी फिल्म बनती है, जैसे रतन जी बहुत ही साफ सुथरी फिल्म बनाती हैं। इंदु सोनाली, कमलेश चौरसिया जी प्रोड्यूसर, रतन राह डायरेक्टर, और दीपक भाटिया जी हैं, सारे लोग हैं, बहुत अच्छी फिल्म, बहुत खूबसूरत फिल्म है। सर मेरा नाम कमलेश चौरसिया, मैं यूपी इलाहाबाद से हूँ, मेरा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत दिन से विचार था,
आज जो कि पब्लिक का आशीर्वाद और आप लोग का आशीर्वाद है तो मैं यहाँ तक आके खड़ा हुआ हूँ। हीरोइन रानी चटर्जी, प्रियंका पंडित, हीरो के रूप में संतोष बाबा जी, विशाल मौर्या प्लस कमलेश चौरसिया और प्रोड्यूसर जो खुद हैं इसमें, देखिए हम कहानी बहुत अच्छी लाए हैं जो कि इंडस्ट्री से हट के है और नई है। मुझे आशा और विश्वास है कि पब्लिक को ज़रूर पसंद आएगा। प्लैनेट भोजपुरी।